नमस्कार जी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं तुषार पटेल। आपको आज रिकॉर्डिंग शूटिंग करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त देसी जुगाड़ के साथ जो स्टेज बनाया हूं वो चीज़ दिखाऊंगा। उसमें क्या क्या चीज़ लगा है, आप कैसे इसको लगा सकते हैं और बड़ा आसानी के साथ आप शूटिंग करने के लिए इसको बना सकते हैं। चलिए फिर क्या है वो दिखलाते हैं वीडियो में और क्या क्या उसके बारे में जानकारी देते हैं, और वीडियो में बनी रहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं जो स्टैंड के बारे में बात कर रहा था वो यही स्टैंड है। ये है स्टैंड। आप अगर किसी भी म्यूजिक इसके लिए अपना रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त देसी जुगाड़ के साथ देखिए, ये जैसे म्यूजिक रिकॉर्डिंग करना है तो इसके लिए आप नीचे ये मोबाइल ऑन करके इधर पूरा नीचे का सेटअप आ जाता है। पूरा जबरदस्त रिकॉर्डिंग हो जाता है। और ये जैसे कि आप स्टैंड में अगर सामने ये करना है तो उसके लिए है, तो पीछे से भी दिखला देता हूँ। ये है देखिए, ये जो है भाई बहुत कम, ये 150-200 रुपये में आ जाता है आपको गाड़ी वगैरह में लगाने का है, जिसको मैं ऐसे डिज़ाइन करके अपना शूटिंग के लिए बनाया हूँ। और ये तो आप सेल्फी स्टिक है, जो ये लटका हुआ है ना, ये सेल्फी स्टिक है, ये भी वही रेंज में आ जाता है 100-150 में। तो आप आसानी के साथ 400 से 450 के बजट में बहुत ही ज़बरदस्त स्टैंड बना सकते हैं और अपना शूटिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं तो म्यूज़िक से रिलेटेड बनाता हूं तो अपना सेटअप कर लिया हूं। देसी जुगाड़ देख के मेरा जो स्टैंड बनाया हूँ कैसा लगा यार, एक बार जरूर बताइए। और आप भी बहुत आसानी से कम बजट में ऐसा स्टैंड बना के और शूटिंग वगैरह कर सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। और कोई भी जैसे कि इसके बारे में कोई भी जानकारी चाहिए कि ये स्टैंड वगैरह कैसा कैसा कहाँ से कैसे कितने का मिल रहा है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और अगर इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं तो तुषार पटेल 2197 करके हैं, उसमें जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और इसके बारे में मैं पूरा जानकारी दे दूंगा। और भी म्यूजिक से रिलेटेड, मैं तो म्यूजिक से रिलेटेड मेरा चैनल है तुषार काफी सीजी म्यूजिक कर रहे हैं, वो बनाता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। आप बनाइए और शूटिंग करते रहिए, फिर तब तक के लिए मिलेंगे फिर से। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।